प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि सुधा चंद्रन नामी खातून भारतनाट्यम की माहिर रक्कासा यानी डांसर है। एक हादसे में उनका पैर गंवाना पड़ा, यानी वो माजूर हो गई एक पैर से, लेकिन माजूर मसनवी पैर लगाकर उन्होंने सख्त पाबंदी से रक्स और अदाकारी जारी रखी, अपना काम बंद नहीं किया। उसी के साथ रविंद्र जैन नाबीना है, उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में मौसिकी दी है। उनकी बेहतरीन मौसिकी के लिए उन्हें भारत सरकार की जानिब से कई एजाजात और इनामात मिल चुके हैं। शरद गायकवाड़ का एक हाथ कमज़ोर था, यानी वो पैदाइशी माजूर थे, लेकिन तैराकी के मुकाबले में उन्होंने अपने मुल्क भारत का दुनिया में नाम रोशन किया। यानी माजूर अफराद भी अपनी अदाकारी से, अपने हुनर की वजह से आम इंसान की तरह तरक्की कर सकते हैं और हर काम में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यानी हमें हर काम में हिम्मत से काम करना चाहिए। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा करने में हमें कामयाबी हासिल हुई। आलमी इदारे सेहत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए हमारे मुल्क की तारीफ भी की है। गुज़िश्ता कई वर्षों से पोलियो का खात्मा मुहिम जारी रहने से हमारे मुल्क पोलियो से पर काबू पा चुका है। 0 से 5 साल के बच्चों को साल में 2 मरतबा पोलियो का डोज यानी खुराक दी जाती है, और हमारा मुल्क इसे कई सालों से पाबंदी से हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये खुराक दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा हो चुका है। उसी के साथ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका खामियाजा यानी नुकसान पहुंचा। कुछ दिनों के बाद दुनिया ने इस पर काबू पाने के लिए एक लस बनाई। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस पर 2 डोज यानी 2 लसें बनाई गई, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। हर इंसान को जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए 2 लस लेना ज़रूरी है। तो अब हमें भी पोलियो की तरह अपने मुल्क से कोरोना वायरस को ख़त्म करना है।